हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लॉ बाय वंश बत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, जो कि डील करता है रूल अगेंस्ट परपेचुटी से। सो इससे पहले जो हमने सेक्शन 13 किया था, उसको जो ये सेक्शन है कंटिन्यू करता है एक तरीके से। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज पर ना जाते हुए इसको पहले जनरली डिस्कस करते हैं, तो उससे हमको अपने आप ही बेरेक्ट जो है क्लियर होता चलेगा कि क्या कहना चाहता है इसका बेरेक्ट। तो सबसे पहले परपेचुटी का क्या मीनिंग है? देखिए, परपेचुटी का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है अनएंडिंग ट्रांजैक्शन, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो एंड ही ना हो, चलती रहे। या फिर परपेचुटी का मतलब हो सकता है टाइंग अप ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को बांध के रखना, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो प्रॉपर्टी है अपने पास ही रहे। एक तरीके से हम प्रॉपर्टी को इस तरीके से ट्रांसफ़र कर दे कि उसका एंड ही ना हो, वो चलती रहे, ए के बाद बी को जाए, बी के बाद सी को जाए, उसके बेटे को जाए, फिर उसके बेटे के बेटे को जाए। तो ऐसी अनएंडिंग ट्रांजैक्शन को परपेचुटी कहते हैं। एंड सेक्शन 14 बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुटी की, मतलब जो अनएंडिंग ट्रांजैक्शन है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉपर्टी आगे बढ़ाना, इसके अगेंस्ट में बात करता है सेक्शन 14। ऐसी अनएंडिंग ट्रांजैक्शन को वॉइड कहता है। सो जो ये रूल है सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुटी, इसको हम टू पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इसका हम देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है कि द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट ऑपरेट टू क्रिएट एन इंटरेस्ट विच इज टू टेक अफेक्ट आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर पर्सन लिविंग एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो सकता जो कि इफेक्ट ले आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन। मतलब कि कुछ ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करना कि ए ट्रांसफ़र करे बी को एक प्रॉपर्टी एंड ये कहे कि बी की डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी बी के बेटे को जाएगी, एंड बी के बेटे के मरने के बाद उसके बेटे को जाएगी, एंड उसके बेटे के मरने के बाद उसके बेटे को जाएगी। एंड यहाँ जो है बी लिविंग नहीं है ना, उसके बेटे तो कहाँ से लिविंग होंगे, बाकी सारे पोते या फिर परपोते, कोई भी लिविंग नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा जो ट्रांसफ़र है वो वॉइड होगा, वो इनवैलिड होगा, ये जो क्योंकि जो ट्रांसफ़र है वो इफेक्ट ले रहा है आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन। ऐसा इंटरेस्ट जो क्रिएट हो रहा है वो टाई अप कर रहा है प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी को इनएलियनेबल बना रहा है, एंड इट इज़ डेट्रीमेंटल टू मेक प्रॉपर्टी इनएलियनेबल। एंड ऐसी जो चीज़ है लॉ परमिट नहीं करता है। इससे पहले जो हमने सेक्शन 13 डिस्कस किया था, उसमें हमने ये देखा था कि लिविंग पर्सन के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है, पर यहाँ पे कहा जा रहा है आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ वन और मोर लिविंग पर्सन। तो ये चीज़ बिल्कुल वॉइड होगी सेक्शन 14 इस चीज़ के अगेंस्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका हुआ। सेकंड पॉइंट जो है इसका मेन पॉइंट लगा लीजिए, जो कि कहता है कि द वेस्टिंग ऑफ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एन अनबोर्न पर्सन मे बी पोस्टपोन टिल माइनॉरिटी। तो इसके लिए हमको सेक्शन 13 की थोड़ी सी समरी देखनी पड़ेगी। अगर डिटेल में वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए, तभी अच्छे से क्लियर होने वाला है सेक्शन। तो सेक्शन 13 जब हमने डिस्कस किया था, हमने देख लिया था कि लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं लिविंग पर्सन के फेवर में, मतलब ए जो है बी के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है, एंड बी की लाइफ के बाद सी के पास जाएगी वो प्रॉपर्टी, एंड सी की लाइफ के बाद डी के पास जाएगी वो प्रॉपर्टी, पर ये चारों के चारों वहाँ पर लिविंग होने चाहिए तभी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है। एंड जो अनबोर्न को जाएगी वो प्रॉपर्टी, वो एब्सोल्यूट जाएगी प्रॉपर्टी। ये हमने सेक्शन 13 में डिस्कस किया था। एक और बात हमने डिस्कस की थी कि जैसे ही जो अनबोर्न है अब वो बोर्न होता है, तो ही विल टुक ए वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। जैसे ही वो जो अनबोर्न है वो बोर्न होगा, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा उस प्रॉपर्टी में। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब अब उसकी डेथ भी होती है उस पर्सन की जो बोर्न हुआ है, उसके 2 साल बाद 5 साल बाद उसकी डेथ भी हो जाती है, तो जो प्रॉपर्टी उसके लीगल हेयर्स को जाएगी। तो ये देखा था कि हमने कि जैसे ही वो बोर्न होगा वैसे ही उसका वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा उस प्रॉपर्टी में। पर जो सेक्शन 14 है ये क्या कहता है, यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है ये बात क्या कहता है, ये कहता है कि रूल ऑफ वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी एट दी बर्थ कैन बी चेंज बाय ट्रांसफरर। मतलब जो ट्रांसफरर है वो ये डिसाइड कर सकता है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट, वो जो अनबोर्न जो अब बोर्न होगा, वो जो बोर्न होने के बाद वो वेस्टेड इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में कब एक्वायर करेगा, ये जो चीज़ है ये ट्रांसफरर डिसाइड कर सकता है। पर वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट अनबोर्न के फेवर में कब तक पोस्टपोन कर सकता है, टिल माइनॉरिटी, मतलब 18 साल। ट्रांसफरर ये नहीं कह सकता कि जो उस पर्सन को 21 साल में या फिर 25 साल में जाके उस प्रॉपर्टी का वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकता। 18 साल या फिर उससे नीचे होनी चाहिए वो एज जो है, वो जो लिमिट है वो बियॉन्ड द पीरियड ऑफ परपेचुटी नहीं होनी चाहिए। पीरियड ऑफ परपेचुटी से यहाँ पर क्या मतलब है,
पीरियड ऑफ परपेचुटी का मतलब है कि जो लास्ट प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, जब प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे तभी अनबोर्न को प्रॉपर्टी जाएगी, तो जो लास्ट प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है उसकी लाइफ एंड उस पर्सन की माइनॉरिटी जिसको वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली जानी है। इससे रिलेटेड हम कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, तब जाके ये हमारा पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर होगा। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए ने ट्रांसफ़र करी बी को प्रॉपर्टी फॉर लाइफ, एंड ये वहाँ पर कहा कि बी के बाद जो प्रॉपर्टी है वो बी के फर्स्ट चाइल्ड को जाएगी जब वो 18 साल की एज अटेन करेगा। अब यहाँ पर बी जो है लिविंग है, जीवित है, तो उसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है। एंड अल्टीमेटली ये कहा गया कि बी के अनबोर्न चाइल्ड को वो प्रॉपर्टी जाएगी जब वो 18 साल का होगा, तो ये ट्रांसफ़र बिल्कुल वैलिड हो जाएगा क्योंकि वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी पोस्टपोन्ड बाय ट्रांसफरर। यहाँ पे पोस्टपोन कर रहा है कि बी के चाइल्ड को कब उस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर जब बी का फर्स्ट चाइल्ड बोर्न होगा तो जो प्रॉपर्टी है वो एकदम से उसके पास नहीं जाएगी, वह उसका वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पे क्रिएट नहीं होगा जब तक वो 18 साल का वहाँ पर नहीं हो जाता। एंड वहाँ पर अगर बी के चाइल्ड की डेथ हो जाती है 18 साल से पहले तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरर को चली जाएगी, एंड अगर ट्रांसफरर जिंदा नहीं है तो उसके लीगल हेयर्स को जाएगी। तो 18 साल का जब तक नहीं होगा बी का चाइल्ड तो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा, ये जो ट्रांसफर है बिल्कुल वैलिड है। अब यहाँ पर क्या हो, हम दूसरी सिचुएशन ले, क्या हो कि ए ट्रांसफ़र करे बी को प्रॉपर्टी फॉर लाइफ, बी लिविंग है यहाँ पर, एंड ये वहाँ पर ए कहे कि बी के डेथ के बाद बी के फर्स्ट चाइल्ड को वो प्रॉपर्टी जाएगी जब बी का चाइल्ड 25 ईयर्स का होगा, तो ये ट्रांसफ़र जो है ये वॉइड है। क्यों वर्ड है, क्यों, जो प्रॉपर्टी है वो जो पोस्टपोन करी है उसमें प्रॉपर्टी ए ने, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट 25 साल तक पोस्टपोन कर दिया जो कि इनवैलिड है, जो कि बियॉन्ड द पीरियड ऑफ परपेचुटी है। पीरियड ऑफ परपेचुटी क्या है, लास्ट जिसके नाम प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसकी लाइफ प्लस माइनॉरिटी, पर यहाँ पे ए ने क्या करा, माइनॉरिटी से ऊपर जो है ट्रांसफ़र कर दी उसको प्रॉपर्टी, मतलब 18 साल तक तो वैलिड है पर उसने कह दिया कि 25 साल, जब वो 25 साल का होगा बी का जो अनबोर्न है तब जाएगी उसको प्रॉपर्टी, तो जो वेस्टिंग है उस प्रॉपर्टी का वो पोस्टपोन हो गया बियॉन्ड दी माइनॉरिटी विच इज़ वॉइड। इसमें हम दूसरी सिचुएशन ले, तो यहाँ पर अगर ए कह देता कि बी को जाएगी प्रॉपर्टी फॉर लाइफ एंड बी की डेथ के बाद बी के चाइल्ड को जब वो 10 साल का होगा, तो ये ट्रांसफ़र भी बिल्कुल वैलिड हो जाता क्योंकि ये जो 10 साल की एज है ये बियॉन्ड माइनॉरिटी नहीं है। यहाँ पर एक और बात, जो माइनॉरिटी है वो इंडिया में 18 साल के बाद ख़त्म हो जाती है, मतलब जब कोई 18 से ऊपर हो जाएगा वो मेजर हो जाएगा। एंड सेक्शन जो 14 है टीपीए का, उसमें जो माइनॉरिटी वर्ड लिखा गया है उसको 18 या फिर उससे नीचे ही समझा जाएगा। यहाँ पर माइनॉरिटी को 21 साल नहीं समझा जाएगा, जब एक पर्सन अंडर कोर्ट के सुपरविज़न में होता है एक पर्सन, जब जो लीगल माइनॉरिटी 21 साल रख दी जाती है वहाँ पर, पर यहाँ पर सेक्शन 14 टीपीए में 18 साल ही होगी माइनॉरिटी की, जो एज है फिर उससे कम उसके ऊपर नहीं होगी। ये जो बात है सुंदरा राजन वर्सेस नटा राजन 1925 प्रिवी काउंसिल ने बोली थी कि सेक्शन 14 में जो टर्म माइनॉरिटी है उसको 18 साल ही समझा जाएगा, कोई और जो अदर एज होती है लीगल माइनॉरिटी होती है वो 21 साल, वो यहाँ पर अंडरस्टूड नहीं किया जाएगा उस चीज़ को। तो यहाँ पर हम एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा आपके डाउट्स और क्लियर होंगे अगर आप ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझेंगे तो। एंड इसके बाद वो केस देखेंगे हम जब मदर की वूम में होता है कोई चाइल्ड, उससे पहले हम ये इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन कहता है कि ए ने बी को 1970 में बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी फॉर लाइफ, एंड बी की लाइफ के बाद सी को फॉर लाइफ, एंड सी की लाइफ के बाद डी को फॉर लाइफ, एंड डी की लाइफ के बाद ई को फॉर लाइफ, एंड ई की डेथ के बाद या फिर लाइफ के बाद बी के सन को जो कि अभी अनबोर्न है। एंड ये लिखा उस प्रॉपर्टी में कि जो बी का चाइल्ड है वो तब उस प्रॉपर्टी को अटेन करेगा जब वो 18 साल का हो जाएगा। अब यहाँ पर बी सी डी और ई इन सब के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, ये सभी के सभी लिविंग है, तो इट इज़ वैलिड टू क्रिएट लाइफ इंटरेस्ट ऑन लिविंग पर्सन। एंड इनकी लाइफ के बाद जो बी का जो चाइल्ड है जिसका यू बी नाम है यहाँ पर, उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा उस प्रॉपर्टी का। अब यहाँ पे 1970 में 1970 में बी को कर दी ट्रांसफ़र ए ने प्रॉपर्टी, यहाँ बी का चाइल्ड 1980 में बोर्न हो जाता है एंड बी की डेथ हो जाती है यहाँ पर 1990 में बी की डेथ हो जाती है। अब बी की लाइफ के बाद सी को जाएगी, पर यहाँ पर सी की जो डेथ है वो 1985 में ही हो चुकी है उससे 5 साल पहले, तो ये डायरेक्ट डी को चली जाएगी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर डी की डेथ हो जाती है 1992 में, अब डी की लाइफ के बाद ई को जा रही है प्रॉपर्टी, अब ई का पोजीशन है उस प्रॉपर्टी पर 1992 में। अब यहाँ पर उसका पोजीशन रहता है जो यहाँ पे यू बी है
1998 में उसका वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाता है उस प्रॉपर्टी में, क्योंकि 1980 में वो पैदा हुआ, 1998 में 18 साल बाद उसको प्रॉपर्टी जानी है, वो उसका वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ बन जाता है उस प्रॉपर्टी में। पर यहाँ पे पोजीशन वहाँ पर 1998 में ई का ही रहेगा, जब तक ई की डेथ नहीं होती बी के चाइल्ड के पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं आएगा। तो वहाँ पर 2002 में ई की डेथ हो जाती है तो 2002 में उस प्रॉपर्टी का पोजीशन भी यूबी को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो ये ट्रांसफ़र है बिल्कुल वैलिड होगा। तो ये सब ठीक है। अब एक केस आता है यहाँ पर जब अनबोर्न जो है वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं आता, लास्ट जो प्रायर इंटरेस्ट जिसका क्रिएट हुआ है उसकी डेथ के बाद जो अनबोर्न है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता। सेक्शन 13 में हमने पढ़ा था कि ऐसा होता है, वो जो अगर वो एग्जिस्टेंस में ना आए जिसके नाम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किया गया है तो प्रॉपर्टी जो है वापस ट्रांसफरर को चली जाएगी। पर अगर वो जो अनबोर्न है वो जो जिसके नाम एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो एग्जिस्टेंस में तो ना हो पर वो मदर की वूम में हो, मतलब वो जो पर्सन है वो माँ की कोख में हो, तब क्या होगा वहाँ पर? तो वहाँ पर जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन है, मतलब जब तक माँ की कोख में बच्चा रहता है, वो पीरियड ऑफ परपेचुटी में एज ए ग्रेस इंक्लूड कर दिया जाएगा। पीरियड ऑफ गेस्टेशन है उसकी जो लिमिट है वो 280 डेज है, 280 दिन है। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ परपेचुटी क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ गेस्टेशन प्लस माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी, एंड अगर ट्रांसफर इससे बियॉन्ड होगा तो वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन में क्या लिखा है, ए ने ट्रांसफ़र करी प्रॉपर्टी बी को फॉर लाइफ, एंड बी की लाइफ के बाद सी को फॉर लाइफ, एंड सी की लाइफ के बाद एक अनबोर्न पर्सन को जब उसकी मेजोरिटी अटेन होगी, मतलब जब वो 18 साल का होगा। अब यहाँ पर बी और सी लिविंग है, उनके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, एंड अल्टीमेटली जा रही है प्रॉपर्टी अनबोर्न को जब वो 18 साल का होगा, बिल्कुल वैलिड ट्रांसफ़र है। अब यहाँ पे लास्ट प्रायर इंटरेस्ट किसका है? बी के बाद जाएगी प्रॉपर्टी सी को, सी का है, सी के बाद उस अनबोर्न को जानी है। अब जब सी की डेथ होगी यहाँ पर, एंड अगर यहाँ पर सी की डेथ हो जाती है तो वो प्रॉपर्टी है वो अनबोर्न को जाएगी। पर अगर यहाँ पर अनबोर्न एग्जिस्टेंस में ना आकर मदर की वूम में है तो क्या होगा? तो वहाँ पर क्या होगा, उस अनबोर्न को वहाँ पर 280 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा। सी की डेथ के बाद वो 280 दिन के अंदर अंदर वो एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए, एंड अगर वो नहीं आता एग्जिस्टेंस में तो वो जो प्रॉपर्टी है वापस ए को चली जाएगी जो कि ट्रांसफरर है। जब मदर की वूम में है वो अनबोर्न तो पीरियड ऑफ परपेचुटी क्या होगा, 280 डेज जो पीरियड गेस्टेशन पीरियड है प्लस माइनॉरिटी। अगर 280 दिन के बाद वो एग्जिस्टेंस में आएगा तो वो बियॉन्ड दी लिमिट ऑफ परपेचुटी हो जाएगा, बियॉन्ड दी पीरियड ऑफ परपेचुटी हो जाएगा, तो वो चीज़ वॉइड हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर 280 डेज के विदिन वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है पर्सन तो उसके बाद जब वो 18 साल का होगा तब उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। 18 साल तक उसका पोजीशन तो रहेगा क्योंकि लास्ट लाइफ होल्डर की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, तो जैसे ही वो बोर्न होगा पोजीशन आ जाएगा उस प्रॉपर्टी का। पर जब वो 18 साल का होगा तब जाके उसका वेस्टेड इंटरेस्ट उसको मिलेगा उस प्रॉपर्टी का, एंड 18 से पहले भी उसकी डेथ होती है तब भी वो जो प्रॉपर्टी है वो ए को वापस चली जाएगी, एंड अगर ए लिविंग नहीं है तो उसके लीगल हेयर्स को, मतलब जो ट्रांसफर है उसके लीगल हेयर्स को वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। सो यही है हमारा सेक्शन 14। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए LLB स्टडी लॉ बाय वंश बत्रा यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।